एसएम न्यूज़ में आपका स्वागत है। मेरा नाम है कोमल और आज हमारे साथ हैं सारिका चौधरी जी। सारिका चौधरी जी, आपका स्वागत है एसएम न्यूज़ में। आज हम बात करते हैं भीमराव अम्बेडकर जी की। भीमराव अम्बेडकर एक ऐसे समाज से थे जहां बच्चों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, लेकिन आज उनकी लिखी हुई किताबें सभी लोग पढ़ रहे हैं। इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगी? देखिए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर वो महापुरुष हैं जिन्होंने समाज को जागरूक किया। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने, मैं ये नहीं बोलूँगी कि सिर्फ उन्होंने दलित पिछड़ों के लिए लड़ाई लड़ी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने देश के हर वो लोगों की लड़ाई लड़ी जो वाकई में दबे कुचले थे, वे किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के हों। ख़ास तौर से महिलाओं की मैं बात करूं कि अगर आज महिलाओं को रिजर्वेशन मिला है तो कहीं ना कहीं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की देन है। और वो अम्बेडकर जी ने उस समय ये नहीं देखा था कि महिला दलित है या महिला ब्राह्मण की है या महिला ठाकुर की है, उन्होंने हर महिला के बारे में बात की। और उन्होंने ये बात बोला कि समाज में जितनी भी महिलाएं हैं उनकी दलितों से भी ज़्यादा बेहतर हालत है। आज भी महिलाओं को समाज में बोलने का अधिकार नहीं है, घर से बाहर निकलने का अधिकार नहीं है, आज भी महिलाएं पर्दे के अंदर हैं और आज भी महिलाओं के साथ में उतना ही अत्याचार होता है जितना दलितों के साथ में अत्याचार होता है। तो उन्होंने देश के सभी महिला वर्ग के लिए उन्होंने एक आवाज़ उठाई। और दूसरी चीज़ मैं ये बोलना चाहूँगी कि मैं देश के संविधान को फॉलो करती हूँ, मैं किसी भी धर्म को, किसी भी जाति को, किसी भी मजहब को, किसी भी मंदिर मस्जिद, जितने भी लोग अलग अलग धर्म के नाम पे जो रोटियां सेकने का काम करते हैं, जो कहते हैं कि इस धर्म के वजह से हम अपनी पार्टी को खड़ा कर लेंगे, उस धर्म के वजह से हम समाज का काम कर लेंगे, ये कुछ नहीं है। मैं मानती हूँ कि भारत का संविधान ही सब कुछ है और जो भारत का संविधान में लिखा है मैं उसी को फॉलो करती हूँ। मैं हर व्यक्ति से भी कहना चाहूँगी कि हमारे देश में सबसे पहले हमारा संविधान है जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने लिखा है, उसके बाद में कुछ और है। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर किसी भी एक जाति या वर्ग के नेता नहीं हैं। जैसे लोगों ने कहा कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सिर्फ जाटों के या सिर्फ महारों के नेता हैं या सिर्फ दलित के नेता हैं, लेकिन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कोई व्यक्ति विशेष एक समाज से न जोड़ के चले। मैं मानती हूँ कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर देश के हर व्यक्ति के नेता हैं, हर यूथ के नेता हैं। और आज मैंने देखा है कि उस समय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को नहीं मानते थे, लेकिन मैं अपने साथ में जब मैं काम करती हूँ, एजुकेशन में काम कर रही हूँ, तो मैंने देखा है कि जो मेरे साथ में एजुकेशन टीम की जो यूथ हैं, लड़कियाँ हैं, लड़के हैं, वो सारे लोग, वो किसी भी धर्म से हों, किसी भी जाति से हों, किसी भी वर्ग से बिलोंग करते हों, जब वो मेरे साथ में चलते हैं या हम लोग बातचीत करते हैं तो सबके बैग में मैंने देखा है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की किताब होती है। जब मैं उनसे पूछती हूँ क्या बात है, अभी अम्बेडकर जी को पढ़ने लगे हो, तो बोलते नहीं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने बहुत लोगों के लिए बहुत कुछ किया, दबले पिछलों के लिए किया, महिलाओं के लिए किया है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने। और हमें तो मतलब अभी तक ऐसा कोई लीडर नहीं मिला जिन्होंने हमें इतना कुछ सीख दिया हो, लेकिन जब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की किताब पढ़ते हैं तो हमें भी लगता है कि हमें भी दबे कुचलों के लिए कुछ करना चाहिए, शायद हम कुछ कर नहीं रहे हैं। और अम्बेडकर की किताब पढ़ने से हमें बहुत बड़ी प्रेरणा मिलती है। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को मैं बहुत मानती हूँ। अगर आज मैं जिस पोस्ट में हूँ, जिस पोजीशन में हूँ, अगर मैं राजनीति में भी निकल के आई हूँ या मैं सामाजिक क्षेत्र में निकल के आई हूँ, तो कहीं ना कहीं वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की देन है जो आज मैं निकल के आई हूँ। अगर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर नहीं होते तो शायद आज मेरी भी दशा वही होती जो पहले महिलाओं के साथ में होती रही है, जो महिलाओं के साथ में शोषण होता है, गोबर डालने का काम करती हैं, सिर्फ पति को सेवा करने का काम करती हैं, बच्चे पैदा करने का काम करती हैं और उनका अपना कोई दिमाग नहीं होता, उनकी अपनी कोई सोच नहीं होती है, उनके दिमाग को एक दर से बंद कर दिया जाता है, उनको ये बोला जाता है कि आप एक गाय हो, आपको एक खूंटे में बांध दिया गया है, आप इससे आगे नहीं जाओगे, आपको बस घर में रहना, पति की सेवा करनी है, बच्चों का पालन पोषण करना है, सास की सेवा करनी है। तो ये कहीं ना कहीं से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने मुझे वो राइट दिया है जो आज मैं दिल्ली जैसी जगह पर बैठी हूँ और बहुत सारे मुद्दे पे चर्चा करती हूँ, बहुत सारे आंदोलन करती हूँ, बहुत सारे महिलाओं की बात करती हूँ, दबी कुचली महिलाओं की बात करती हूँ, सभी समुदाय की महिलाओं की बात करती हूँ, यूथ की बात करती हूँ और मैं बहुत सारे लोगों का भला भी करती हूँ, वो शायद डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की देन है। और इस चीज़ को मुझे कभी भूलना नहीं चाहिए कि मैं आज जिस पोजिशन में हूँ आज उन्हीं की वजह से हूँ। मैम, आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भीमराव अम्बेडकर को नहीं मानते हैं,
देखिए, अगर लोग नहीं मानते तो कहीं ना कहीं से मनुवादी सोच के लोग हैं जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नहीं मानते हैं, और कहीं ना कहीं से उनको ये डर है कि देखिए इस देश के अंदर 20% मतलब 80% लोग ऐसे लोग हैं जो सुबह खा लेते तो शाम के लिए वेट करते हैं कि आखिर में शाम के क्या खाया जाए, और 20% लोग ऐसे हैं जो अच्छे महलों में रहते हैं, अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छी लिखाई कर रहे हैं, करोड़पति उद्योगपति हैं, और 20% लोग 80% के ऊपर राज कर रहे हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।